दोस्तों, जब आप किसी को WhatsApp के अंदर मैसेज भेजते हो, मैसेज भेजने के बाद मैसेज ठीक जिस मैसेज को आप भेज रहे हो उसका नीचे एक आइकॉन दिखाई देता है। उस आइकॉन डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट पैरामीटर्स में अलग अलग दिखाई देता है, जैसे कि कभी भी वो क्लॉक जैसे दिखाई देता है, कभी भी वो सिंगल टिक दिखाई देता है, कभी भी वो ड्यूअल टिक दिखाई देता है, कभी भी वो टिक ब्लू हो जाता है। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है? इसका एक तो मीनिंग्स ज़रूर है, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डेप्थ एंड डिटेल्स की बात करेंगे इसका मीनिंग्स के बारे में। तो इसीलिए वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों, आप सबको पता है व्हाट्सएप बेसिकली एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड सोशल मीडिया नेटवर्क है, एंड ये चाहता है उसका जो कस्टमर है उसको स्पैम फ्री रखे एंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस दे। इसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी अच्छा डिटेलिंग है, एंड आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ये भी एक डिटेलिंग ही है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लीजिए आप किसी को भी एक मैसेज भेज रहे हो, तो मैसेज उस तक पहुंचा क्या नहीं, वो देखा क्या नहीं, ये सारे चीज़ों के बारे में व्हाट्सएप आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो उसके अगर किसी भी चीज़ को लिख के देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे या उसको पढ़ना नहीं चाहेंगे आप, एंड छोटा सा कि आइकन होगा तो वो पे वो आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। इसी वजह से एक ये काफ़ी सारा आइकॉन्स उसके अंदर डाला। तो इसका मीनिंग्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो चैट्स के अंदर जो ये सारे आइकन होता है, पर्सनल चैट्स ये अलग होता है, एंड ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ अलग होता है। तो पहले ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। ग्रुप के अंदर जब भी आप किसी भी मैसेज को भेजेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लॉक या तो एक ठीक आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर काफ़ी सारा लोग हैं। तो मान लीजिए एक के पास वो एक लोगों ने उसको देखा, ठीक है, तो आप डबल ब्लू टिक दिखाई देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि काफ़ी सारा लोग देखा या एक लोग देखा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ को वो हटा दिया, सिर्फ ये चीज़ को रखा क्लॉक एंड टिक। तो क्लॉक क्यों है? एक्चुअली किसी भी मैसेज को अगर आप भेजते हो तो डायरेक्टली तो जिस नंबर पे आप भेज रहे हो वहाँ पे नहीं जाते हैं। पहले आपका मैसेज आपका सर्वर के थ्रू व्हाट्सएप के सर्वर तक जाते हैं एंड वहाँ पे स्टोर हो जाता है। जब भी दूसरा बंदा जिसको आप मैसेज को भेज रहे हो उस तक वो जब ओपन करते हैं व्हाट्सएप, उसके पास व्हाट्सएप की जो सर्वर है उससे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो क्लॉक तभी दिखाई देता है जब आपका मैसेज जो है व्हाट्सएप का सर्वर तक नहीं जा पाता है, मतलब या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं है, एंड वहाँ पे वो क्लॉक दिखाई देता है। जब सर्वर आपका मैसेज रिसीव करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तब वन टिक दिखाई देता है ग्रुप के अंदर। तो सेम चीज़ पर्सनल मैसेज के अंदर भी होता है। जब भी आप किसी के पास मैसेज भेज रहे हो तो वो मैसेज सर्वर तक नहीं जाता है, सर्वर में स्टोर नहीं होता है, तो आप एक क्लॉक आइकन शो होता है। अगर सर्वर उसने उस मैसेज को रिसीव कर लेता है तो वहाँ पे वन टिक दिखाई देता है। दूसरा बात, जब जिसके पास आप मैसेज को सेंड कर रहे हो वो जब मोबाइल का डाटा ओपन करेगा तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ओपन हो जाएगा एंड आपका मैसेज जो है वो विजिबल हो जाएगा, या वो व्हाट्सएप अगर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपका मैसेज विजिबल हो जाएगा, व्हाट्सएप का जो सर्वर है उसकी तरफ से भेज दिया जाएगा, ठीक है। जब व्हाट्सएप की तरफ से उसके पास भेज दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको डबल टिक दिखाई देगा, लेकिन वो ग्रे होगा, ठीक है। जब उस बंदे ने जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हो वो आपका मैसेज ओपन करके देखेंगे, ठीक है, अगर वो ऊपर से अगर वो ज़्यादा मतलब शहारा है तो वो आप ऊपर से करके देख लेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा। जब वो आपका मैसेज ओपन करेंगे तो वहाँ पे डबल ब्लू टिक दिखाई देगा, जो ग्रे था वो अब ब्लू हो जाएगा, मतलब उसने आपका मैसेज देख लिया। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में आया आपका मैसेज पढ़ लिया तो कुछ नहीं कर सकते आप, पढ़ लिया लेकिन नहीं होगा। ऐसा चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर काफ़ी होता है। चौकसा बट तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल पंडित।